अब योग परंपरा में आपको हर पकी हुई चीज ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लेनी चाहिए। कुछ चीजों के लिए 4 घंटे तक ठीक है, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी नाभि के नीचे गैस पैदा होती है, यानी अगर आप वैसी चीजें खाते हैं जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग की है उन्हें हम ये बता चुके हैं, अगर आप बहुत ज्यादा कंद युक्त या ट्यूबरस चीजें जैसे आलू वगैरह खाते हैं तो आपकी नाभि के नीचे गैस पैदा होगी। वहां गैस पैदा होने से नाभि और गले के गड्ढे के बीच आपके प्राण सही तरीके से काम नहीं करेंगे और आपके सिस्टम की गतिशीलता कम हो जाएगी। इसीलिए जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, जो छात्र हैं या जिन्हें अपना दिमाग केंद्रित करना है और लंबे समय तक जागना है, उन्हें वे चीजें नहीं खानी चाहिए। आज दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे दुनिया के लोग या मूर्ख सोचते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं, उनका भोजन उतना ही पुराना होता जा रहा है। वे सोचते हैं ताजा भोजन असभ्यों के लिए है। जो खुद को सभ्य मानते हैं वे सुपर स्टोर से एक बॉक्स खरीदते हैं जिस पर लगा प्लास्टिक वे फेंक देते हैं, ये जानते हुए कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। और कैन आम तौर पर प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का होता है। वे उसे माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, जो खाने से पहले एक और गलती है। ये शायद कम से कम 3 महीने पुराना हो। नहीं नहीं, वो रेफ्रिजरेटर में था, उसमें प्रिजर्वेटिव हैं ताकि वो भोजन खराब ना हो। ये दोहरी भूल है। अब योग परंपरा में आपको हर पकी हुई चीज ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लेनी चाहिए। कुछ चीजों के लिए 4 घंटे तक ठीक है, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। वो चाहे जितना भी स्वादिष्ट या अच्छा हो, उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिस्टम में गैस बनेगी। गैस बस केवल पेट में ही नहीं है, जो आप आसानी से महसूस कर सकते हैं, पर आपके सिस्टम में वायु बनेगी जो आपकी प्राण वायु के खिलाफ काम करेगी, यानी उससे आपकी सांसें, आपके विचार और आपकी सूंघने की शक्ति, ये चीजें धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी। एक जीवंत इंसान बनने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी हैं। ये सभी प्राणों को अलग अलग मात्राओं में सक्रिय करने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक सरल चीज आप ये कर सकते हैं, करीब 6-7 मिनट तक आप देखेंगे कि सिस्टम में फिर से ऊर्जा आ जाएगी।